बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब पेपर हैकर में। मैं सूरज राज, आज की इस वीडियो देखने वाले आगरा यूनिवर्सिटी का पेपर हुआ है। तो आप यूपी, बिहार, एमपी या फिर यूके, उत्तराखंड, किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो आप इस पेपर को जरूर देख के जाएं, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि बीकॉम के थर्ड ईयर वाला स्टूडेंट जो है आगरा यूनिवर्सिटी का आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इस पेपर में ग्रुप ए का ये पेपर आप देख रहे हैं, 100 नंबर का हुआ था। तीन अब बोला गया 2 घंटे में आपको सोल्यूशन करना है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से देख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यहां बोला गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इट इज इंप्लीमेंटेशन इन बिजनेस, ये पेपर का नाम हो जाएगा। इस पेपर के नाम से आप देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आपका बना है। ध्यान से देखिए, पेपर फर्स्ट है ग्रुप ए का आगरा यूनिवर्सिटी का। मैंने जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे वही पेपर में छपे हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आया है। आप जो जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं वही क्वेश्चन करना है। देखिए, यहां उन्होंने कहा है कि 10 क्वेश्चन आपसे पूछे गए कि नहीं, 4 क्वेश्चनों के अंतर, मतलब कि 4 क्वेश्चनों के आंसर देना है। कह सकते हैं कि 25-25 नंबर का एक क्वेश्चन है, 25-25 नंबर का एक क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आपसे पूछे गए जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं आगरा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। ये पैटर्न चल रहा है, आप देख सकते हो। पहला क्वेश्चन जब पूछा गया, जो हमने बताए थे वही क्वेश्चन आए। यहां बोला गया है डेटा संसाधन क्या होता है, डेटा संसाधन प्रणाली के प्रकार बताइए, पूरा क्वेश्चन वही आया है। डाटा जिसे कहते हैं, डेटा को हम डाटा प्रोसेसिंग भी बोलते हैं, ये पूरा क्वेश्चन वही आया है जो हमने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया था, 25 नंबर का फंसा है, आप देख सकते हैं। ये है सूचना अंकेक्षण से आप क्या समझते हैं, इंफॉर्मेशन जो एडिट होता है उससे आप क्या समझते हो, उसके उसके उद्देश्यों के बारे में, और परंपरागत अंकेक्षण जो होता है उसके बारे में आपको बताना है, एडिटिंग्स के बारे में। पूरा क्वेश्चन वही आया जो हमने आपको इंपोर्टेंट दिया था। देखो, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट से प्राप्त होने वाली सुविधाओं का वर्णन करो, ये क्वेश्चन आप पूरा बना बना के कर सकते हो, पूरा बना बना के। लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखो, ये लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, और लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब है 500 वर्ड से ऊपर लिखना, वही आपको 3 पेज से ऊपर लिखना है। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां चौथा क्वेश्चन यहां है इलेक्ट्रिक डेटा कह सकते हैं इंटरवेज। ठीक है, ये आप क्या समझते हैं, ये आपसे पूछा गया, उसकी कार्यविधि के बारे में क्वेश्चन बना है। ये देखो, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको इंपोर्टेंट दिए थे और यही पेपर में आए हैं, बाकी कुछ बाहर नहीं गया है। देखो, डाटा बेस जो मैनेजमेंट होता है सिस्टम, ये पूरा क्वेश्चन मैंने आपको इंपोर्टेंट दिया था, 25 नंबर का फंसा है, उसके लाभ दोषों के बारे में देख सकते हैं आप। इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसके नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। paperhacker.in हमारा एक वेबसाइट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं नोट्सों को। यहां देखिए इंटरनेट, यहां बोला गया है नेट कर्फ फोटोलॉजी से आप क्या अभिप्राय है, उसकी विकार के बारे में पूछा गया है। यहां देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या, पूरा क्वेश्चन वही फंसा है, उनके ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्णन करो, ये पूरा 25 नंबर का फंसा है। देखिए यहां देखिए आठवां जो क्वेश्चन बना है, कंप्यूटर जो कंप्यूटर कोड्स बोलते हैं, कंप्यूटर कोड क्या होता है, उनके प्रकार के कंप्यूटर कोड्स का वर्णन करो, कितने प्रकार के कंप्यूटर कोड्स होते हैं उनके बारे में। ठीक है, वर्जन अलग अलग होता है, उनके बारे में पूछता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां देखिए कंप्यूटर के यहाँ बोला गया है कंप्यूटर के बारे में आप क्या जानते हैं, उनकी विशेषता का वर्णन करें, कंप्यूटर की विशेषता, पूरा 25 नंबर के वही फंसे हैं सारे क्वेश्चन। देखिए बाहर कुछ नहीं आया। दसवां क्वेश्चन की बात की जाए, माइक्रोसॉफ्ट जो कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है उसके बारे में आपसे क्या जानते हो, ये पूछा गया है, और उसकी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। व्यावसायिक और जो वित्तीय क्षेत्र होता है उसके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की उपयोगिता को समझाइए, ये क्वेश्चन बना है। सारे क्वेश्चन वही आए, मतलब कि 100% फंसा है, जो हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे वही आए, बस आप उतना ही क्वेश्चन पढ़ के चले जाते हैं। जो हमने 15 से 16 क्वेश्चन जो दिए हैं आप वो पढ़ के चले जाते हैं, तो आपको 100% यही फंस रहा है, कुछ बाहर नहीं आ रहा है। ठीक है, आप बना बना के भी कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन भी ऐसे आए हैं जो आपको खुद पता होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए, और बाकी जितने भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं अलग यूनिवर्सिटी के, वो भी इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़ के जाएं जो हम आपको बता रहे हैं, बस वही पढ़िए, बाकी कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।